इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। पहले तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, कल की वीडियो में एडिटिंग करते समय थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसमें लाउड म्यूज़िक हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आप सभी से। आइंदा ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, ये जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मात्र 100 रुपये की शेयर की दो कंपनियों के मात्र 100 रुपये के शेयर जो झटके से अपने निवेशकों के पैसे 10 गुना कर सकते हैं। वाकई एक तेज़ी आएगी ना तो अपने निवेशकों के पैसे को 10 गुना कर सकती है। और जहाँ तक मेरा मानना है, पहली कंपनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पे आप तो क्वांटिटी ठीक ठाक आप ले सकते हो, लेकिन दूसरी जो कंपनी मैं बताऊँगा वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको छोटी क्वांटिटी ही ले कर रखना होगा। अब ये दोनों कंपनी की बात किया जाए तो पहली कंपनी BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। मार्केट कैप 2838 करोड़ का था, एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है। करंट प्राइस 116 रुपये का, हाई इसका 120 का है, तो अपने हाई के आसपास चल रही है। 66 रुपये इसका लो है। स्टॉक पी 49.5 है, कहीं ना कहीं स्टॉक पी से आपको लग रहा होगा महंगा है, लेकिन कंपनी ठीक ठाक है। मेरा मानना कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको लेना चाहिए। बुक वैल्यू 25.8 का है, डिविडेंड कंपनी देती है 0.32% का, क्योंकि छोटी कंपनी है, इतना भी डिविडेंड दे रही तो वही बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाई 9.84 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.61 का है, तो दोनों देखने के बाद ये लगता है कि कंपनी हाई रिस्क की, वाकई हाई रिस्क की है। हाई रिस्क रिवार्ड्स वाली ही कंपनियां आपको पैसे 10 गुना 20 गुना बना के दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा सेफली कंपनी आपको पैसे 5 साल में डबल करके दे सकती हैं, लेकिन हाँ ये है कि 5 साल में पैसे आपको 20 गुना 25 गुना नहीं दे सकती, लेकिन ऐसी कंपनियाँ हैं जो झटके में आपके पैसे को 10 गुना कर सकती हैं, तो हाई रिस्क भी रहता है। अब 116 रुपये का प्राइस, यदि मार्केट में ज़बरदस्त कोई प्रेशर आ गया तो ये प्राइस आपका 66-50 के भी पास आ सकता है, मैंने पहले ही बताया। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड्स वाली कंपनी है। अब यहाँ पे जो भी स्मॉल कैप कंपनी होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि स्मॉल कैप कंपनियाँ जब चलती हैं तो 5 गुना 10 गुना रिटर्न दे देती हैं, लेकिन जब टूटती हैं तो 50%, 70%, 80% टूट भी जाती हैं। तो उसमें पैनिक नहीं होना, बने रहना है, बस क्वार्टरली रिजल्ट आपको चेक करते रहना है। और एक क्वार्टर रिजल्ट ख़राब हो तो ऐसा नहीं कि आप शेयर बेच के निकल जाओ, हाँ उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही तो बेच के निकल जाइए, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि बने रहना है, फ्री का स्टॉक है आपके पास में, तो बने रहना चाहिए मेरा मानना है। जब 3 क्वार्टर के रिजल्ट उसके ख़राब हो जाए तभी आपको निकलना चाहिए। अभी एक कंपनी है कौन सी, वो भी देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जो ऑटो सेक्टर में कंपोनेंट बनाती है, यूनो मिंडा, मदरसन सुमी, उसी तरीके से ये भी कंपनी है, JTEKT इंडिया लिमिटेड। ये जापानीज कंपनी है जो इंडिया में भी मैनुफैक्चरिंग करती है, और ज़बरदस्त कंपनी है, ऑटो सेक्टर के लिए ज़बरदस्त कंपोनेंट बनाती है, फ्यूचर इसका ज़बरदस्त है। और देखा जाए तो इसका रिजल्ट जल्दी आया था, अभी इनका मार्केट कैप 2858 पहले ही मैंने बताया, करंट प्राइस 117 का है, और इसका देखेंगे ना पिछले सितंबर में 385 करोड़ का सेल किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ हुआ था, 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, फिर जून में 472 करोड़ हुआ, पिछले क्वार्टर को बीट करते हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर को बीट करते हुए 40 करोड़, नेट प्रॉफिट में भी पिछले क्वार्टर को बीट करते हुए 16 करोड़, अभी दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए सेल्स में भी 571 करोड़ का इनका कहने के सेल्स में ग्रोथ जबरदस्त दिखाई दे रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए 58 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट में भी दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए 30 करोड़ का है, 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए, और ईयरली तो देखा जाए तो 3 गुना है, और क्वार्टरली देखा जाए तो डबल है। तो इस स्टॉक में मेरा मानना है कि यदि मार्केट का सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो जल्दी स्टॉक 150 के पार आपको दिख सकता है। स्टॉक पी में भी जबरदस्त जंप आपको देखने को मिले, दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए 1.14 का है, तो कंपनी ऑटो सेक्टर में, और ऑटो सेक्टर में वैसे भी बहुत तेज़ी है इस समय, तो इस स्टॉक को भी आप कहीं ना कहीं आप अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लंबे समय का नज़रिया बना के रखिए। और जब भी स्टॉक आपको 50% 100% का गेन दे, अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लीजिए, प्रॉफिट के स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास लगभग 74% की होल्डिंग है, कोई शेयर प्लेस नहीं है। FIs ने भी लगभग 4% की होल्डिंग ले रखी है, DIs ने भी 4.5% की होल्डिंग ले रखी है, पब्लिक के पास 17.55% की होल्डिंग है। और ये कंपनी में आपको बता दें, मुकुल महावीर अग्रवाल जी की भी कहीं ना कहीं पोजीशन है, आप पब्लिक में जाके चेक करेंगे तो एक ज़बरदस्त, वो जैसे आशीष कचौलिया सर हैं वैसे ही मुकुल महावीर अग्रवाल भी जी हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में जो मुकुल अग्रवाल जी आते हैं वो नहीं, मुकुल महावीर अग्रवाल एक अलग इन्वेस्टर हैं, जैसे आशीष कचौलिया जी हैं, डॉली खन्ना जी हैं, तो उन्होंने भी इसमें 1% से ज़्यादा माल ले रखा है, तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, इसको भी अपने वॉचलिस्ट में लगा लीजिए, चाहे आप चाहें तो पोर्टफोलियो में भी आप इस स्टॉक को लेके रख सकते हैं।
दूसरी कंपनी है VLS फाइनेंस। मैंने इस पर भी कई बार वीडियो बनाया है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक जब 180-90 के आसपास था तो भी बताया था, तो वहाँ से काफ़ी टूट चुका है। बहुत सारे लोग यदि मेरे बताने से लिए होंगे तो उनको लगता होगा कि फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है और कंपनी के साथ में क्या ना, छोटी कंपनी है VSE NSE। देखें, मार्केट कैप केवल 525 करोड़ का है। अब ये देखिए, छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो यहाँ से 10 गुना हो जाए। सोचो आप, जिस दिन इसका मार्केट कैप आपका 5000 करोड़ का होगा तो आपका पैसा तो 10 गुना हो गया ना। अब ये दूसरी कंपनी, पहली कंपनी में आप चाहे जितना क्वांटिटी उठा सकते हैं SIP मोड में, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपसे, 25 या 50 क्वांटिटी ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं। और 25 क्वांटिटी ही आपको बड़ा पैसा बना के दे सकती है। जहाँ तक देखा जाए तो स्टॉक भी 6.83 का है, हाई इसका 241 का है, लो 115 का है, और अभी भी आप इसको ले सकते हैं। हर गिरावट में भी आप चाहें तो 25 क्वांटिटी अपने पास रख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल में 7.78 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.79 का, फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। बुक वैल्यू उसका देखना चाहें देखेंगे ना तो 737 रुपये का है। मतलब क्या कि कंपनी के पास जो एसेट है, उस एसेट का आकलन करने के बाद जो NSE ने इसका बुक वैल्यू निकाला 737 रुपये का। तो कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है स्टॉक, 5 गुना सस्ता मिल रहा है लगभग। तो इस स्टॉक में मेरा मानना है कि 25 क्वांटिटी केवल आपको रखना चाहिए, और स्टॉक आपको बड़ा रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है, झटके से दे सकता है। जब चलेगा ना तो आप देखते रहेंगे आपके सामने पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। कंपनी फाइनेंस सेक्टर की है। अभी जो रिजल्ट इनका दिसंबर में 18 करोड़ 31 करोड़, फिर जून 2022 में पिछले क्वार्टर में तो माइनस में इनका सेल्स गया था, -54 करोड़, फिर 80 करोड़, अभी जो रिजल्ट आया 80 करोड़ का सेल्स किया है। प्रॉफिट में देखेंगे ना, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। देखिए, एक हाई रिस्क रिवार्ड्स वाली कंपनी, हाई रिस्क की कंपनी है, तो इस वजह से इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं 25 क्वांटिटी कहता हूँ, आप अपने पास लेके रखिएगा। पैनी स्टॉक से ज़्यादा बेहतर है कि इसको आप लेके रखो। पैनी स्टॉक आपका पैसा कब डबल करेगा, कब कितना बढ़ेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पैसा आपका कई गुना कर सकता है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए ना, तो अभी का जो इनका रिजल्ट आया, देखें 62 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट है। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज भी नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ में देखेंगे ना तो जो EPS इनका माइनस में था, और ईयरली 3.96 का था, उससे पहले यदि आप देखेंगे तो EPS अभी पिछले क्वार्टर में माइनस था, अभी EPS 16.05 का हो चुका है। कंपनी अच्छी है, ज़बरदस्त है, पैनी स्टॉक से अच्छा है कि इस स्टॉक को आप लें। कंपनी ईयरली भी अच्छा कर रही, 36 करोड़, 222, 232, अभी 75 करोड़, लेकिन यदि आप देखते हैं तो 221 करोड़ का मार्च 2021 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था, 39 करोड़ का उससे पहले, फिर 210 करोड़ का दिखाया था। तो कंपनी ऐसे ही अप एंड डाउन करते हुए कंपनी एक दिन बड़ा कर सकती है। इस स्टॉक को चाहे तो आप जरूर 25 क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रखें। कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, देखें आप 2811 करोड़ का तो रिजर्व है, इसलिए कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बोरोइंग 1 करोड़ का है, कोई मैटर नहीं रखता है। साथ में आप देखेंगे ना तो प्रमोटर होल्डिंग 45.76% की है, प्रमोटर के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है, और कोई शेयर प्लेस नहीं। FIIs ने भी 2.5% से माल ले रखा है, और पब्लिक के पास में भी 51 पॉइंट से ऊपर की होल्डिंग है। तो हाई रिस्क की हाई रिस्क वाली कंपनी है, तो इस स्टॉक को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, वॉचलिस्ट में लगा सकते हैं। और आप चाहें तो 25 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं। और जिन्होंने पहले बताया था ले रखा है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ बने रहें, क्योंकि मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि माइक्रो कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। अब सर ये तो लगातार आप डायलॉग बोले ही जा रहे हो, सर बताना पड़ता है क्या करूँ। माइक्रो कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी आपको टूटती हैं तो 70% 80% टूट जाती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य के साथ बने रहते हैं, क्वार्टरली अपना उनका रिजल्ट चेक करते रहते हैं, तो स्टॉक आने वाले टाइम में आपको 5 गुना 10 गुना भी रिटर्न दे सकते हैं। तो लॉस में नहीं बेचने वाले शेयर हैं, आपको इनको होल्ड करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और देखिए, पेशेंस वाला ही गेम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की देखिए एक ही सीक्रेट मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में वही लोग पैसा बनाते हैं। इन स्टॉक मार्केट करता क्या, इन पेशेंस से पेशेंस वालों की तरफ पैसे को एक तरीके से धकेलता है। मतलब इन पेशेंस लोगों से पैसे लेके पेशेंस वाले लोगों के पास पैसे भेज देता है, क्योंकि इन पेशेंस वाले लोग लॉस में बेच देते हैं, पेशेंस वाले लोग उसी को प्रॉफिट में निकाल के बेचते हैं। जब उनको प्रॉफिट होता है तभी वो बेचते हैं, और उनका टारगेट होता है 50%, 25%, 100%, 500%, 1000%। तो ऐसे उनका टारगेट होता है, जब तक वो टारगेट अचीव नहीं करते तब तक वो अपना बने रहते हैं उसी में। तो ये सारी चीज़ें थी कल की वीडियो, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो सकती है, और वो आपने म्यूज़िक की वजह से नहीं सुना होगा, क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड हो गया था, उसके लिए फिर से मैं सॉरी कहूँगा। और ऐसे ही देखिए, आज मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेशन फेज़ में ही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अभी निकल के नहीं आया है, आप अभी आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से।
और इन्फ्लेशन रेट अभी मुझे उम्मीद थी कि दिन में 12 बजे तक आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो अभी देखिए शाम तक अभी आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया था। अब इन्फ्लेशन रेट 7% से ऊपर है तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर आ सकता है। 7% से नीचे होगा तो मार्केट में कल बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बड़ी मेहनत रिसर्च करके वीडियो लेके आता हूँ, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और साथ में आपको कोई स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में आपको तंग कर रहा है बहुत दिनों से, आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, यदि आप उस पर एनालिसिस चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट पर ज़रूर रिएक्ट करूँगा और कोई ना कोई वीडियो बनाऊँगा और आपके कमेंट को भी वीडियो में रखूँगा। और जितने लोगों ने कमेंट किया था सर, उसके लिए थैंक यू, रमेश सर का भी और दो यशपाल सर का भी। सर आप मैंने पहले ही कई बार सॉरी कह दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।